जहाँ पहले एपिसोड में फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए थे, सेकंड एपिसोड में फाइटिंग सीक्वेंस के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्वल वालों की यही बात तो अच्छी लगती है कि वो कॉमेडी डाले बिना तो रह ही नहीं सकते, चाहे वो मूवी हो चाहे वो सीरीज हो। फर्स्ट एपिसोड में जहां पर सैम के पास जो शील्ड होती है कैप्टन अमेरिका की, कैप्टन अमेरिका ने बड़ी उम्मीदों से बहुत भरोसा करके सैम को ये शील्ड दी थी कि भाई ये इस शील्ड को संभालने लायक है। वहां पर ये शील्ड उसे लगता है कि यार वो उसे संभाल नहीं सकता क्योंकि उसकी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते उसके अंदर इतना विश्वास नहीं बन पाता कि वो शील्ड को संभाल पाएगा, और इसलिए वो शील्ड को म्यूजियम में दे देता है एक अमानत के तौर पर कि लोग याद रखेंगे कि कैप्टन अमेरिका है। अब यहां पर इस शील्ड को म्यूजियम से किसी और इंसान के पास पहुंचा दी जाती है जो एक नया कैप्टन अमेरिका बन के सामने आता है। यह फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, इसकी एंडिंग यहीं पर होती है, और सच कहूं इसकी एंडिंग को रियल में लोगों ने पसंद नहीं किया था। लोग जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ कह रहे थे, उनको उनके अंदर गुस्सा था कि उनको ये नए वाला कैप्टन अमेरिका पसंद नहीं आया था। और ये एज यूजुअल की शो के अंदर भी सैम जब ये देखते हैं कि इसकी शील्ड को किसी ऐसे इंसान को दे दिया गया है जो कैप्टन अमेरिका नहीं है, उसको कोई इंसान उसके बारे में नहीं जानता, तो इसको खुद को बुरा लगता है कि यार ये सब चीजें क्या हो रही है। सेकेंड एपिसोड में विंटर सोल्जर या फिर कहूँ बकी और सैम दोनों मिलकर एक मिशन पे जाते हैं जहां पर कुछ लोग वो गलत काम करने वाले हैं, और इनको पता चलता है कि इन लोगों के पास जो एक पावर है, पावर ये कि ये सारे जो बंदे हैं वो सुपर सोल्जर्स हैं। अब वो कहां से आए हैं ये सब चीजें इसके अंदर नहीं बताई गई है। साथ ही साथ इस एपिसोड में भी फर्स्ट एपिसोड के तरीके से यहां पर भी ब्लैक लाइव्स मैटर, एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लैक का इशू उठाया गया है, जहां पर ब्लैक और व्हाइट जब लड़ रहे होते हैं और पुलिस आती है, तो ये वाला सीन अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे पुलिस आती है तो वो व्हाइट से कुछ नहीं पूछती, ब्लैक से पूछती कि भाई हाँ अभी तू अपने डॉक्यूमेंट दिखा, इवन वो व्हाइट से ये पूछती कि ये तुमको तंग तो नहीं कर रहे थे। ये वाला जो सीन है वाकई में बहुत कुछ बयां करता है। ये जैसे मैंने देखा था तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया था जॉर्ज फ्लॉयड का जो अमेरिका के अंदर हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई थी। खैर कहानी पर फोकस करते हैं, बकी और सैम इन गिरोह को पकड़ना चाहते हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी ये है कि जो 5 साल की एक दुनिया थी जिसके अंदर आधे लोग थे उनको वही दुनिया वापस चाहिए। वैसे बन जाती है ऐसी मानसिकता जिनको लगता है कि यार 5 साल तक जो लोग गायब रहे, ये जो अब यहां पर हैं दुनिया में, जो 5 साल तक दुनिया में रहे, उनको ये लगता है कि दुनिया उन्हीं की है, वो डिजर्व करते हैं। तो उनकी ऐसी मानसिकता बन जाती है कि वो अब लोग ऐसे आ गए जिनको नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी मानसिकता बन जाती है। ऐसी आइडियोलॉजी में दिखाई गई जो उभर रही है, लोग इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस गिरोह को रोकना चाहते हैं सैम और बकी। अब इन्हीं के साथ साथ जो नया कैप्टन अमेरिका बन के आया है उनके, उसकी भी कुछ फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। खैर इनका क्या होता है जब फाइटिंग करते हैं, तो देखो जब आप शो देखोगे तभी पता चल जाएगा। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था तो हमें इंतजार था सेकंड एपिसोड का, क्योंकि ऐसे मोड पर खत्म करते हैं, कैप्टन अमेरिका आता है, नया कैप्टन अमेरिका आता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये कौन है, कहां से आया है, इसके पास कैसे इसने शील्ड ले ली, कैसे लोगों ने इसको चुन लिया। तो ये सब चीजें हमें बेताबी से, मतलब बेसब्री से इंतजार होता है कि सेकंड एपिसोड में इसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक ऐसे ही सेकंड एपिसोड का भी एंडिंग ऐसे समझो कि इस मोड पर की गई है कि आपको थर्ड एपिसोड का इंतजार रहेगा, काफी जबरदस्त रहा। मैं ये कहूंगा कि यार जैसा फर्स्ट एपिसोड था धमाकेदार एंट्री थी, सेकंड एपिसोड को वैसा ही रखा गया, और ये कह सकते हैं कि यार इसमें एंटरटेनमेंट का लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया गया क्योंकि कॉमेडी इसके अंदर डाल दी गई है। अब सैम और बकी दोनों एक साथ आ गए, इनकी दोनों की नोक झोंक जो देखने को मिलती वो काफी ज्यादा फनी थी। ओवरऑल अगर एपिसोड की बात करूं तो कहानी काफी अच्छी है, एक्शन काफी अच्छे हैं, कॉमेडी का तड़का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो यानी काफी ज्यादा अच्छा एपिसोड मुझे लगा। अगर आप लोगों ने एपिसोड देख लिया तो प्लीज बताना कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, अगर अब तक नहीं देखा तो जाकर देखो यार किस चीज का वेट है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।